शादी का मतलब क्या होता है? प्यार होता है। शादी के बाद सब खत्म। हाँ तो पूछ लो अपनी मर्जी शादी के, कोई फोर्स नहीं किया। प्लीज रुको ना। अरे छोड़ो यार, अब छोड़ो यार, जो हो गया अब वो बदल नहीं सकता ना, अब तो वो बदल लेगा। हाँ छोड़ो यार, आप छोड़ो ना यार। चलो चलो चलो, आप जाओ, मैं बोल रही हूँ, जाओ मेरे पति से दूर रहो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रति सिन्हा, एंड आज आप फिर मुझे देख रहे हो इस लुक में। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे फ्रेंड दीप, एंड आज इनको अपनी गर्लफ्रेंड पे करना है प्रैंक। दीप आप बताओ कि प्रैंक क्यों करना है? एक्चुअली हमारा 3 साल का रिलेशन है, और अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही है मेरे को। अच्छा। और फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाती, बात नहीं करती, और कितने दिन हो गए मतलब मिलना जुलना भी नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ एक ऐसा प्रैंक, इतना भी बिजी क्या रहता है इंसान की, पूरे दिन में भी उसका टाइम नहीं मिले। तो मतलब बेसिकली आपको प्रैंक करना है, आप समझ लो 3 साल का रिलेशन अब प्यार करती मेरे को उसके साथ देगी। प्रैंक ये करना है कि मेरे को दिखाना है कि हाँ मैंने अब किसी और को अपना लिया, ताकि उसको समझ। और मतलब उनको हम लोग ये बोलने वाले हैं कि इनका घर का प्रेशर था, और घर के प्रेशर की वजह से मतलब घर की मर्जी से इन्होंने मुझसे शादी कर ली है। उसके बाद मार खाना यार, मैं नहीं बचाने वाली आपको। तो मैं उनके साथ ये प्रैंक करना चाहता हूँ, ताकि उनको ये समझ आए, परेशान करना है, जो वो परेशान कर रही है, इग्नोर करना, एटीट्यूड दिखाना। नहीं एटीट्यूड नहीं होता, मैं बता रही हूँ, जहाँ प्यार होता है ना उसमें भी थोड़ा बिजी होगी, बट आप मेरे फ्रेंड हो, एंड आप बोले कि बिजी ठीक है, इतना भी बिजी नहीं कि एक एक हफ्ते बात नहीं हो रही है दोनों। चलिए कोई नहीं, आज करते हैं उनसे प्रैंक। एंड मैं पहले बता दे रही हूँ, अपना सामान की रक्षा स्वयं करें, मैं नहीं रक्षा करने वाली आपकी, मार खाओगे आप तो, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। तो एक काम करो, आप उनको कॉल करके आओ, बुला लो। हेलो, कहाँ पे रहो? नहीं मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है? मुझे तुमसे मिलना है आज। कोई बात नहीं, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आ जाओ, मुझे आप तुमसे कुछ बात करनी है, और तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या बात करनी है बताओ ना। मैं मिलके ही बताऊंगा, वो ऐसे नहीं बता सकता। मैं मिलके ही दिखा सकता हूँ तुम्हें जो है बात, ऐसे जो तुम जब आओगे तो तुम्हें दिख जाएगा ना। अरे तो इतना भी बिजी क्या था, बस ऑफिस से जैसे छुट्टी मिलती है, शाम के 5 बज चुके हैं, आप जल्दी आ जाओ। पार्क के पास जहाँ हम मिलते थे, ठीक है, जहाँ हम मिलते थे पार्क में वहीं आना। इसलिए आप इनको प्रैंक करने जा रहे हैं, अभी मेरे समझ में आया, मतलब कुछ ज़्यादा ही इग्नोर हो रहे हैं जी। तो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं, एंड आने दीजिए, करते हैं प्रैंक एकदम फुल ऑन। आ गए तुम? क्या बोलो, मैं यार इतना बिजी थी, इतना जल्दी जल्दी इतना भी क्या बिजी रहता है इंसान जो किसी के लिए टाइम नहीं, काम है, बिजी हूं, बिजी दुनिया है, क्या किसी के लिए इतना भी टाइम नहीं है कि तुम किसी इंसान से बात कर सको? काम दुनिया के पास, काम मेरे पास भी है, मैंने भी टाइम निकाला है। क्या है, क्या बताओ, क्या बोलना चाह रहे, बोलो क्या दिखाना है तुम्हें? तुम्हें जो दिखाना है उसके लिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बैठो जरा, मैं किसी को लेके आ रहा हूँ। मैंने बोला ना बैठो। देखो ये मेरी वोटी, मैंने इनसे, ये मेरी वोटी है, अब इनके हाथ में चूड़ा दिख रहा है, क्या लग रहा है? वाइफ हूँ मैं इनकी। ये सच में मेरे? चुप हो जाओ, वाइफ मतलब शादी हुई है, शादी हुई है, फैमिली की मर्जी शादी हुई है। अरे मेरी शादी हुई है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? आप कैसी गर्लफ्रेंड हुई यार, मेरी फैमिली ने शादी कराई है इनसे। ये बिल्कुल सच है, शादी नहीं हुआ, ऐसे मजाक मत करो यार मेरे। ये मजाक नहीं है, बिल्कुल सच है। और ऐसे हाथ छोड़ो, ऐसे मत करो। हाथ क्या छोड़ो, मेरी शादी हुई है। अरे कैसी शादी हो सकती है, मेरी वोटी है यार। क्या देखो देखो सुनो सुनो सुनो, देखो आप अपने लाइफ में इन्होंने, सुनो 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 सुनो, आप देखो मेरे पति को ऐसे नहीं टच कर सकती, मेरी पहली बात है। तुम्हारा कोई पति बदल नहीं है, मेरा प्लीज प्लीज, मेरा हस्बैंड है, प्लीज
बात कर रही हूँ ना, बात करो आराम से। ठीक है मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आप देखो आपके पास इनके लिए टाइम था नहीं, एंड ये बहुत परेशान थे, इनके घर में प्रेशर था। टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा। अच्छा आप बताओ, मैंने आपको कुछ फोर्स किया शादी करने के लिए? आपके घर वाले? मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, और मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम्हारा इंतजार करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया। मैंने तुम्हें बहुत कॉल करे, बहुत मैसेज करे, लेकिन तुमने अरे इतना भी क्या बिजी रहेगा इंसान, इतना भी क्या बिजी कि रात को जब इंसान सोता भी है तो तब भी उसके पास थोड़ा सा टाइम होता है कि बात कर ले। क्यों कर रहे हो, छोड़ो ना आप, आओ यार। ऐसे नहीं, छोड़ो यार, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, क्या यार, ऐसे कैसे, इधर आओ। एक सेकंड, मेरे पति है वो, हाथ छोड़ो। कोई पति पति नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड है ये। कोई बॉयफ्रेंड? ये जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है। ऐसे ऐसे कैसे, आप इधर आओ यार। ऐसे नहीं, देखो मैं तुम्हें सच दिखाना चाह रहा था कि जो मैंने डिसीजन अपना। तुम मैं कौन हूँ फिर? तुम वो जो मेरा फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, नो मेरे को रिस्पॉन्स देते, इग्नोर। इनके लिए समय नहीं था ना, मेरे पास इनके लिए बहुत समय था। ये मेरे पति ऐसी मत बोलो यार, ये हमेशा मेरे को टाइम देते थे। मैं जब भी इनसे बात करता हूं प्लीज जाओ, हमेशा मेरे लिए आ जाते थे। नहीं नहीं, मैं मुझे इनसे बात करनी है, आपसे नहीं बात कर रही। आप चुप करो, ठीक है? ये क्या क्या तमाशा बनाया, क्या तुमने क्या किया? ये तमाशा नहीं है खुशी, ये जो भी है वो सच है। अब तुम्हें ये विश्वास मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों करूँ मैं फिर, मैं कौन हूँ? आप तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम एक गर्लफ्रेंड, मतलब हमारी शादी होने वाला, हमने बात किया है, किसे मिला दो, बात किया है, मिलना है तो मैंने मिल लिया ना। आप ये बात का डिसीजन तो नहीं लिया ना? क्यों नहीं? आप इधर आओ यार, कैसे इधर आओ आप? ये क्या बदतमीजी है फिर? आप इसको समझाओगे? इनसे बात करनी है, क्या बात करनी है? आपको रहना है इसके साथ, आपकी शादी हो रखी है ना, आपको रहना है। मेरे साथ ही रहेंगे? नहीं, मेरे साथ ही जब इनके साथ शादी होगी तो मुझे इनके साथ रहेंगे। मतलब ये कौन सी बात है? तो शादी का मतलब क्या होता है? प्यार होगा शादी के बाद, सब खत्म। हाँ तो पूछ लो अपनी मर्जी, शादी के कोई फोर्स नहीं किया। देखो यार, एक सेकंड दूर होके बात करो ना मेरे पति से। मैंने बता दिया, मैंने बता दिया तुम कौन हो। बता दिया मतलब कुछ नहीं, आप चुप रहो, ठीक है? मैं आपसे बात नहीं करूँ, इनसे बात कर रही हूँ। तो मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या है ये सब? आप जो था कुछ नहीं, आप ऐसे मत करो, तुम बताओ मुझे। ये क्या बता मुझे, याद छोड़ो, तुम बताओ। जो ड्रामा है पहले अपना ड्रामा बंद करो, ड्रामा बंद, पहले ड्रामा बंद, ड्रामा नहीं। क्या कर रही हो तुम? ये ड्रामा, ये ड्रामा बंद करो, फिर भी ऐसे करोगे है? पहले ड्रामा बंद करो, ड्रामा नहीं है, ठीक है ना? ये हाथ नहीं, हाथ दूरों नहीं, के हाथ टच नहीं करना, हाथ मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन दूरों के बात करो। मेरे साथ क्यों है यार, हाथ छोड़ो आप। अब तुम्हारा हक नहीं रहा, अब तुम्हारा, अब तुम्हारा हक नहीं रहा। क्यों ऐसे कर रहे हो तू फिर? कुछ नहीं कर रहा, तुम ही करो। क्या ये क्या बदतमीजी है? मेरे पति से दूर रहो, मैं बोल रहा हूं ना। कौन सा पति, क्या मेरा पति यार, क्यों रहो? ये ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। बताओ क्या है मेरे साथ, ये सब क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ फिर? पहले छोड़ो, दूर होके बात करो, दूर होके बात करो। हमारे ऐसे थोड़ी ना मान जाऊंगी मैं, इधर आओ तुम, तुम इधर आओ। बोल रही हूँ ना, दूर होके जो भी बात करा, दूर होके बात करो। देखो मैं तुम्हें, मैं अपने पति से बात नहीं करनी, ये मेरे पति है, पति पति कुछ नहीं, नहीं मेरे पति हस्बैंड, शादी हो रही है। तुम्हारे मानने से क्या होता है, तुम्हारे मानने से क्या होता है? बदतमीजी मत करो, सामने से बात करो, जो बात से नहीं बात करना, दूर नहीं है। क्यों दूर हूँ मैं, इतने दिन से दूर नहीं थी, नहीं तो शादी हो रही है। तभी तो मैसेज नहीं किया, तभी तो बात नहीं करी। मत करो प्लीज यार, इधर आओ, बात करो मेरे से। बात तो कर रहा हूँ, बात कर रही है, ऐसे कैसे इधर मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पति से दूर रहो। पति पति नहीं मानती है, पति पति नहीं, ये पति पति मैं कुछ नहीं मानती। मेरा ये बात करना है ना, बात करना है, बात दूर से बात, तो इधर आना। अच्छा यही चीज अगर तुम्हारे साथ होती और मैं कहता मैं नहीं मानता कोई हस्बैंड, तो क्या? मैंने तो कुछ नहीं करी, नहीं नहीं अगर तुम कर लेते बिजी रहने का क्या किया? मुझे लगा तुमने शायद कुछ छोटी सी ले लिया, मतलब इनके घर वाले का प्रेशर था ना, बताओ। आप तो बिजी थे इतना, आपके पास इनके लिए टाइम नहीं था, घर वाले पूछ रहे शादी के लिए। टाइम दिया तो है मैंने, बस थोड़ा सा बिजी रह गई थी, कुछ
देखो इन्होंने मुझसे कुछ नहीं छिपाया, ये बस इतना प्यार करते कि हर चीज बताया। मैं कौन हूँ यार, मैं क्या करूँगी फिर, इतने साल से मेरे साथ रह के फिर ऐसे करेगा तो मैं कैसे मान जाऊंगी। देखो होता क्या है ना कि जब इंसान के पास कुछ रहता है उसका कदर नहीं रहता, आपको भी का कदर नहीं था, अब ये आप तो दूर हो गया, अब आपको फील हो रहा है कि ये चला गया। तुम इधर आओ, करो मेरे से, इधर आओ, तुम ये क्या किया मेरे साथ यार, मैं तुम्हारे साथ तुम क्या कर रही हो इनके साथ, ऐसे कैसे कर रहे हो मेरे साथ, नहीं थोड़ा दूर रहो, मार दूंगी इसको, ऐसे मेरे साथ करेगा मैं नहीं छोड़ने वाली, ठीक है ना। ये रो दो के नहीं दिखाओ, सुनो ना, ये रो दो के नहीं दिखाओ। अब तुम्हें सच्चाई माननी पड़ेगी ना, ऐसे कॉलर पकड़ के खींचने से नहीं होगा कुछ, पति हो गए प्लीज, पति से दूर रहो। मैं नहीं मानती यार प्लीज, क्यों ना, अब ये रोज हो गया, ये क्या नाटक कर रही हो, अब तुम्हें समझ आ रही है, अब तुम्हें एहसास हो रहा है, जब तुम्हें इतने दिन से मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें कोई एहसास नहीं, नहीं नहीं अब जाओ फिर क्यों रो रही हो, मेरा बिजी थी कहाँ, भी इतना भी कौन सा बिजी रहता है इंसान की, उसको एक पल के लिए टाइम नहीं मिलता किसी से बात करने, ठीक है ना, तो आप फ्री रहो ना बहन, क्यों मेरा लाइफ बर्बाद कर रही हो, फ्री नहीं हो यार, ये कैसे मेरा भी तो लाइफ बर्बाद हो रही है यार, तो प्लीज अब जाओ, जो हो गया अब कुछ नहीं बदल सकता, ये मेरे पति है, जाओ आप बताओ, अब ये पहले सोचना चाहिए था, अब शादी हो रखी है भाई, अब क्यों सोच रहे हो ये डिसीजन, अब जब तुमने फोन ही नहीं उठाया, बात करने का मौका ही नहीं दिया, तो मैं कैसे बताऊं फिर तुम्हें, ऐसा भी तुम्हें छिपा सकते थे, बट बताए तुम्हें, मैं स्पीड बोर्ड से बिजी क्या हो गया, तुम शादी करके बैठ जाओगे, मेरा कुछ कोई नहीं है, क्यों रे, तो ये भी तुम्हें भी समझना चाहिए ना, मैंने समझा यार, आप नहीं समझा, अच्छा आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने बोला कि समीर से मिल लिए ना, अब इसका क्या करना है, बदतमीजी बदतमीजी की जा रही है फालतू का, क्यों ये रो के क्या दिखाना चाहती है ये बताओ, नहीं बाबू सुनो, इधर की तरह सुनो, मेरे से बात करो प्लीज, बैठ जाओ, ये बाबू वगैरह क्या है आप, यार पहले बैठ दो, बैठ जाओ, ठीक है बैठ के दूर होकर बात करो, अब आओ बैठ जाओ, देखो यार मेरे से गलती हो गया, थोड़ा सा प्लीज दूर से जरा बात करिए यार, नहीं दूर से बात करो, दूर से बात करो, कुछ लगता है नहीं, लगता है नहीं, लगता है नहीं, लगता है ये क्या बदतमीजी कर रही है, आप बताओगे, आप बोलोगे, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई, लेकिन यार लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्यों रे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो शादी हो गई यार, मैं आप इधर आओ, मैं थोड़ा सा बिजी, यार बात छोड़ो यार, एक मिनट मेरी बात करो, बात करो, रुक जाओ, बैठ गैप होके बात करो, अब सुनो मेरी बात, सुनो मैं बात तो कर, देखो सॉरी मेरी बात सुनो, सॉरी जब यही करना था फिर मेरे से बात कर रही हूँ ना, आप चुप रहो ना प्लीज, नहीं मैं चुप रहा हूँ, चुप रहो, क्यों रे, सॉरी यार, अच्छा मेरी बात सुनो, हो गया मैं थोड़ा बिजी हो गई, लेकिन ऐसे मत करो, मुझे डर है, मैं ये कह रहा हूँ देखो अब जो हो गया देखो वो बदल तो सकता नहीं, ठीक है, अब तुम्हें ये मानना पड़ेगा, ये तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं यार प्लीज सॉरी, सॉरी नहीं, ये सॉरी कहने से अब चीजें बदल थोड़ी जाएंगी, ऐसे मत करो, सॉरी कहने से देखो, सॉरी कहने से वो चीजें ठीक थोड़ी हो जाएंगी, अब मैं पास्ट में थोड़ी चला जाऊंगा, अब शादी हो गई है, अब तो शादी हो गई है, अब तो तुम्हें भी ये बात माननी पड़ेगी, चाहे दिल पे पत्थर रख के माननी पड़े तो माननी पड़ेगी, नहीं प्लीज सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं थोड़ा सा बिजी रह गई, मैं टाइम नहीं दे पाई, तो ऐसे मत करो मेरे साथ, बिजी किसके साथ, किसी के साथ नहीं, मैं बस ऐसे ही बिजी थी, ऑफिस के काम में थोड़ा सा बिजी थी, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रही हूँ, आप चुप रहो, मैं क्यों छोड़ूं यार, कोई बात नहीं, दूर से बात करो, कोई बात नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, पति है मेरा, अच्छा चुप रहो आप, नहीं मैं चुप, आप देखो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, बाबू ऐसे मत करो प्लीज, छोड़ गया तुमने, ठीक है, अब तुमने जब इतने दिन से कोई बात नहीं, मैसेज नहीं, रिप्लाई नहीं, तो फिर मैं तो यही समझूंगा आप तो फिर कहानी खत्म, सॉरी से रही हूं, चल अरे तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई आप कुछ नहीं हो सकते, मेरा पति है, आप तो प्लीज यार सॉरी, मैं सॉरी बोल तो रही हूं, मैं सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा, ऐसे मत करो प्लीज बाबू, अरे तुम्हारे सॉरी बोलने से मैं प्लीज बोल रही हूं ना, दूर रहो मेरे पति से, हाथ पकड़ी जा रही हो, बताने है ना शादी कर ली, जान गई, अब अपने रास्ते जाओ और हमें अपने रास्ते जाने दो, और आपको बात करना कि चलना है यहाँ से, प्लीज रुको ना, अरे अब छोड़ो यार, जो हो गया अब वो बदल नहीं सकता ना, अब तो वो बदल लेगा, छोड़ो यार, आप छोड़ो ना यार, चलो चलो, आप जाओ, मैं बोल रही हूँ, जाओ मेरे पति।
पति से दूर रहो, दूर रहो मेरे पति से, दूर रहो, जाओ यहाँ से। क्यों शादी पर बात करना चाहती हो ना मेरा? मैं बर्बाद नहीं कर रही हूँ, जाओ तुम लोग। क्या दिखा रही हो सबको? जाओ तमाशा कर दी कोई तमाशा नहीं कर रही, आप लोग जाओ यहाँ से। हाँ तो चल ही जाए, चले ही ना जाएंगे, जा ही तो रहे थे, फालतू का रो रही हो। क्यों रे? अब किसी का तुम इज्जत नहीं करोगे तो लोग यही ना करेंगे। इतना भी क्या नहीं, कुछ एक मिनट टाइम नहीं था, अभी रोना था। कोई नहीं, आप लोग शादी कर लिया, खुश रहो, जाओ दूर जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सच में तुम इतना सीरियस लेते हो मुझे? मुझे पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, तुम्हें आज पता लगा यार। चुप क्यों रे? क्या हो गया तुझे? चुप हो जा, चुप चुप। अरे यार पागल, कोई शादी नहीं हुई है। अरे चुप, इधर देखो, चुप चुप। क्या हो गया? क्यों मेरा कैमरा? तुम अपने काम में इतना बिजी थी ना कि तुमको टाइम नहीं है, तुमने बोला कि चलो प्लान करते हैं। अब बताओ सही, वैसे करूँ तो शादी कर लेगा किसी और से? कर लोगे शादी? ऐसे करोगे तो सही वो कर लेगा किसी और से शादी? ऐसे मजाक मत करो मेरे से। और तुमने जो इतने दिन से किया वो? बिजी थी ना, सॉरी ना। हाँ तो ऐसे फेरे? नहीं किया करो, पता चला ना कि सही में रात को टाइम नहीं मिलता, खाना खाने के बाद टाइम नहीं होता इंसान के पास, थोड़ा सा टाइम तो होता है ना। क्यों रे? अरे यार बस एक वीडियो था, तुम इज्जत कर लिया करो, इतना प्यार करने वाला लड़का मिला, इज्जत कर लिया करो। ऐसे मत करना दोबारा मेरे साथ, तुम भी मत करना, ठीक है? प्रैंक मजा आया।